Students, good morning. How are you? Fine. Welcome back to our another video. And today you will study about the magnetic property of the black element, formation of colored ions, formation of complex compounds, catalytic property, formation of interstitial compounds, alloy formation, and so on and on. Okay. तो बच्चों सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वही लगाए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो लिख लें डी ब्लैक जो मेटल होते हैं या तो पैरामैग्नेटिक होंगे या तो डायामैग्नेटिक होंगे पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड बाई weakly attracted by paramagnetic substances are weakly attracted by magnetic fields okay why reason kya hoga because such substances have unpaired electrons unpaired electrons जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वे पैरामैग्नेटिक होते हैं ठीक है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्ट होगा ठीक है अब हेडिंग लगाएंगे डायामैग्नेटिक आर वीकली पेड आर वीकली रिपेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू absence of unpaired electron ठीक है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वे डायामैग्नेटिक होते हैं और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं ठीक है अब हेडिंग लगाएंगे बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट is the measure of magnetic property
It is designated by new unit is Bohr magnetron. ओके तो फार्मूला बच्चों बोर मैग्नेटिक मोमेंट न्यू इक्वल टू अंडर रूट एन इनटू एल प्लस टू वेयर एन इज द नंबर ऑफ unpaired electrons. ठीक है तो ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए. फार्मूला से जो है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन ज्यादा किसमें ज्यादा मेटेलिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें कम मेटेलिक प्रॉपर्टी है न्यू कैलकुलेट करने से हो जाएगा. हो गया नोट कर ला. चलिए क्वेश्चन साथ पर आते हैं. मिलाते हैं पहले उसके बाद क्वेश्चन के साथ पर आते हैं. क्वेश्चन बच्चों कैलकुलेट द क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट of a diatomic di positive cation which of which z equal to 25. ठीक बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना. चलो सॉल्व करते हैं. 25 दे रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. बैलेंस एंपेयर रिटर्न जो मिलेगी तो आर्गन हो जाएगा 3d5 फोरियस टू. यह यम है डाया पॉजिटिव कह रहा है आर्गन 3d5 फोरियस जीरो अर्थात इसमें यन का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है. ठीक अब फार्मूला लगाएंगे न्यू इक्वल टू अंडर रूट n into n plus 2 रख दीजिए वैल्यू. (5 × 5 + 2) (5 × 5 × 7) (35) (5.92) Bm आ जाएगा. ठीक है 5.92 Bm सॉल्व करना नोट करना. तो एक दो नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है. मिटा दें आसान काफी आसान था. मिटा दें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोस्तों खत्म हुआ. अब हम शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन. फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस. ठीक है
तो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं क्योंकि उन आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड यदि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो जरूर एक निश्चित कलर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है बच्चों, ये 1, 2, 3, 4, 5 इसको क्या कहेंगे, डी एक्स वाई, इसको कहेंगे डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसको क्या कहेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको कहेंगे डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसकी ये 3D है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है बच्चों, तो स्प्लिटिंग जब होती है तो T2G और EG इस तरह से तीन जो होते हैं ऑर्बिटल T2G के बनते हैं और दो ऑर्बिटल जो होते हैं EG के बनते हैं। T2G की एनर्जी कम होती है और EG की एनर्जी ज्यादा होती है इस ऑर्बिटल से, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है यहां पर, इसमें आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा बच्चों, जैसे व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे कोई लाइट मिल रहा है इसको, सनलाइट मिल रहा है विजिबल लाइट, तो उसको क्या करेगा, विजिबल लाइट में एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर ले। जैसे मान लीजिए कि येलो और ब्लू, मान लो कि येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, किस लाइट को, येलो लाइट को, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर ट्रांजिट कर जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक, लोअर से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आ जाता है, फिर बाकी दोबारा जो है ये वापस आता है। तो करेस्पॉन्डिंग जो है ये कलर इमिट करता है और उसका कलर क्या होगा, पिंक, पिंक कलर का जो सब्सटेंस दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई देता है, पिंक कलर का। यदि येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है पिंक कलर होगा, तो सब्सटेंस जो होगा वो पिंक कलर का दिखाई पड़ेगा, ठीक। यदि मान लीजिए कि ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो रेड कलर का दिखाई देगा, कौन से कलर का, रेड कलर का सब्सटेंस दिखाई देगा। तो सप्लीमेंट्री कलर जो होता है, सप्लीमेंट्री जो कलर होता है वही कलर दिखाई देता है, ठीक। इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। यहाँ पर जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन, इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो डी ट्रांजिशन के कारण जो होता है सब्सटेंस जो है कलर शो करता है, ओके। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड आयंस ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन की डीडी ट्रांजिशन होती है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है। नोट कर लिए, चलो मिटाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब मान लीजिए कि कुछ है हमारे पास आयंस, जैसे ZN डबल पॉजिटिव है, ठीक, स्कैंडियम डबल पॉजिटिव है, जिंक में इसका रिपल कर तो इस तरह AR हो जाएगा 3D10 4S0। स्कैंडियम डबल पॉजिटिव में करेंगे तो आर्गन 3D0 4S0। तो यहां पर ड्यू टू ऑप्शंस ऑफ बाइकेट डी आर बाइकेट, इट इज कर्नलेस ट्रांजिशन एरिया। इसमें ड्यू टू ऑप्शंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज कलर लेस। ये भी कलर लेस है, इसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी आर ऑर्बिटल, इट इज कलर लेस। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी जो है कलर शो करता है, ठीक है। इस बात का एक एक्सेप्शन होता है बच्चों, उस एक्सेप्शन को हम नोट कराते हैं। एक्सेप्शन हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, है। अरे हम 7 × 14 में हो गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम, ठीक है। तो यदि मैग्नीज का देखा जाए एटॉमिक नंबर 25 होगा, आर्गन 3D5 बोरियस 2, लेकिन Mn डबल पॉजिटिव करते हैं तो 7 पॉजिटिव करने तो आर्गन 3D0 4S0, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑप्शंस है। अच्छा यहां पर देखें, क्रोमियम का 24 होता है आर्गन 3D5 4S1, और क्रोमियम 6 प्लस का करेंगे तो आर्गन 3D0 4S0। इट शुड बी कलर लेस, इट शुड बी कलर लेस, बट इट इज कलर। ठीक है, ये जो PmNO4 होता है बच्चों, ये पर्पल कलर का होता है, किस कलर का होता है, पर्पल कलर। और K2Cr2 जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, येलो या ऑरेंज कलर का होता है, ठीक। तो क्यों होता है,
These are called due to charge transfer. Charge transfer. चार्ज ट्रांसफर क्या होता है बच्चों, इस तरीके गहराई में मत जाओ, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर के कारण मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है कलर्ड होता है, कलर शो करता है। बाकी जो होते हैं ऐसे दिन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो भी वो कलरलेस होते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, मिटा दें। 1 2 3 4 अब है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हेडिंग लगाएं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए आप जो है पढ़ोगे क्लास सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वहां पर पढ़ लेना, पढ़ाया जाएगा। वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ड्यू टू, बहुत डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ड्यू टू एंड हाई चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी एलिमेंट्स, हाई चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी एलिमेंट्स, ठीक है। ये दो रीजन होते हैं, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद डिटेल में आप लोगों को अगले चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा। हो गया, मिटा दूं, मिटा दें। 1 2 3 4 तो हो गया आप लोगों का। अब है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, सुनिए हेडिंग लगाए कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन मेटल जो होता है कैटलिस्ट की तरह से क्लियर करते हैं, जैसे आयरन जो होता है एवर प्रोसेस में कैटलिस्ट रूप में यूज होता है, निकेल जो होता है हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है, ठीक है। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट ड्यू टू, कई रीजन है, दो तीन रीजन है, एक ही रीजन है, देयर अवेलेबिलिटी। सो एबिलिटी, देयर एबिलिटी टू सो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल बता लीजिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, दीज प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, बिन साबित
पाउडर के रूप में कर लेते हैं तो लाल सरफेस एरिया दे देता है। फार रिएक्टेंट्स एंड वीकेंड्स देयर बॉन्ड्स bonds thereby decreasing the activation energy. ये सब रीजन होता है, नोट करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक रिएक्शन बतलाऊंगा, पीछे क्लियर हो जाएगा किस तरह से जो है कैटलिस्ट की तरह से ट्रांजिशन मेटल या ऊर्जा के एलिमेंट जो होता है यूज होता है। वन टू थ्री, ये रिएक्शन दिखा देते हैं, यही आयरन वाला जो है, जैसे आयोडाइड आयन है बच्चों, प्लस थायोसल्फेट एस टू ओ एच टू माइनस आयरन दिया जा रहा है इसको, ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है, यदि स्टेबल ऑक्सीडेशन तो ये आयोडीन जोड़ता है, प्लस टू एस ओ फोर डबल माइनस दो चार, ठीक है। वैसे ये रिएक्शन जो था दो स्टेप में होता है, पहला स्टेप होगा बच्चों जो हमारा आयरन है वह आयरन ले लेता है, इसको आयोडीन में चेंज कर देता है, प्लस दो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये टू एफ ई डबल पॉजिटिव में चेंज करता है, ठीक है। फिर जो दूसरा सेकेंड स्टेप होगा टू एफ ई डबल पॉजिटिव प्लस एस टू ओ एट, अब ये इससे दो इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं दो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, टू एफ ई डबल पॉजिटिव हो जाता है प्लस टू एस ओ फोर डबल नेगेटिव। देख रहे हैं जैसा हमने एफ ई यूज किया था वैसा ही एफी प्राप्त हुआ है, इसलिए यह कैटलिस्ट है, ठीक है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की इसमें टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है, इसलिए जो होता है ये कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये ज्यादा सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है बांड को तोड़ करके, ठीक। नोट कराए क्या है, वन टू थ्री फोर। बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इंटर डिस्टिशियल कंपाउंड्स, हेडिंग लगाएं फॉर्मेशन ऑफ इंटर डिस्टिशियल कंपाउंड्स। तो बच्चों हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, ये ट्रैप हो जाते हैं, हार्ड ट्रैप, आर ट्रैप, ठीक है, आर ट्रैप इन साइड क्रिस्टल लैटिस, इनसाइड क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स एंड फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ओके,
ओके एग्जांपल इसका देख लें। टीआईसी ये कोई करंट बैलेंस वगैरह स्टोकोमेट्रिक का बिजनेस वगैरह मत लगाना, ऐसा बोला जा रहा है। एफ3 एच हाइड्रोजन की बैलेंस वगैरह देते, ये सब कुछ करोगे सब गलत हो जाएगा। ईटीसी ठीक, जो बीच में जो जगह होता है उसमें जाकर फंस जाता है, हाइड्रोजन होगा कार्बन होगा नाइट्रोजन होगा ठीक है ना, क्रिस्टल लैटिस के बीच में। प्रॉपर्टीज इनके लिख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड, पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर मेटल, कंपेयर्ड टू प्योर मेटल ओके। दूसरा स्ट्रॉन्गर देन द मेटल, तीसरा रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी सब रिटेन करता है ओके। केमिकली इनर्ट भी होता है, केमिकली इनर्ट, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अगर क्रिस्टल लैटिस में फंस गया तो वह बहुत रिएक्टिव हो गया ना, इनर्ट रहता है ओके। यार नोट कर लें, चलिए एक दो तीन चार। अब है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, एलॉय फॉर्मेशन सेटिंग लगा लें, एलॉय फॉर्मेशन एलॉय होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स, इसका एलॉय एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं, बहुत ही कॉमन है, दो एग्जाम्पल एक ब्रास और दूसरा ब्रॉन्ज, दोनों में कॉपर होता है, इसमें टीन होगा इसमें जिंक होगा, ब्रॉन्ज में टीन होता है ब्रास में जिंक होता है। नोट कर लें, मिटा रहा है, एक दो तीन चार पांच। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन है, वही डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट
देखना या बयान को नेगेटिव प्लस को एच आयन क्या होगा टू या बयान को प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट यदि लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं बच्चों यहां पर चार गुण आठ यक्स यक्स प्लस माइनस आठ माइनस यक्स बराबर माइनस प्लस आठ प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर यक्स माइनस आठ इक्वल टू माइनस वन यक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस आठ प्लस सात यहां पर यक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो यक्स इक्वल टू प्लस फोर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो यहां पर दो तीन ठीक करना हो जाएगा लिख लें थ्री तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है एमएन का जो है पहले बढ़ रहा है ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर आगे जो है यही जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है रिडक्शन हो रहा है तो जिस रिएक्शन में एक ही आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता हो बढ़ता हो मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है वन टू थ्री फोर एक क्वेश्चन है बच्चों और उसके बाद जो है इस चैप्टर हम फाइनल कर लेंगे क्वेश्चन है बच्चों वाई क्यू प्लस ओके इज नॉट स्टेबल इन इक्वेशन ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन ठीक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख देंगे यहां पर देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है प्लस टू है जीरो है यहां से यहां गया ऑक्सीडेशन हुआ और यहां से यहां आया रिडक्शन हुआ